बेल एक ऐसा फल है जिसका जूस हमारे शरीर को ठंडा रखने के साथ साथ सेहत को भी कई तरीके से फायदा पहुंचाता है। और बेल का जूस पीने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और लू लगने की संभावना भी कम होती है। आज हम बनाएंगे बेल का शरबत दो तरीके से, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगा। मैंने यहाँ पर यह बेल ले लिया है, इसको वुड एप्पल भी बोला जाता है, और इसको आप हथौड़ी से या ऐसे इसको पटक करके तोड़ सकते हैं। अब चम्मच की सहायता से इसका जो अंदर का पल्प है उसको निकाल लेंगे। ये बेल पत्र बिल्कुल पका हुआ है, इसको सारा निकाल लिया है और एक गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे। हम इसको बिना मशीन के बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको मिक्सी में पीसेंगे तो इसके जो बीज हैं उससे इसमें कड़वापन आ जाएगा। इसको अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे और इसके जो ये छिलके हैं उसको अलग से निकाल देंगे और बीजों को भी निकाल देंगे। अब एक छन्नी की सहायता से इसको अच्छे से हम छान लेंगे। ये देखिए, छन्नी की सहायता से छानने से क्या होगा कि जो इसके बीज हैं वो भी निकल जाएंगे और जो इसका जो फाइबर है वो निकलेगा नहीं, इसी के अंदर ही वापस चला जाएगा और जो ऊपर से बीज हैं वो निकल जाएंगे। ये निकाल लिए हैं, इसके बीज अलग कर देंगे और इनको फेंक देंगे। अब इसके अंदर हमें आधा कप चीनी मिला देनी है, चीनी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसमें चीनी ना डालें। अब दो ग्लास के अंदर हम थोड़ा थोड़ा जूस डाल देंगे और एक ग्लास के अंदर हमें यहाँ पर दूध मिक्स करना है और एक ग्लास के अंदर पानी डाल देंगे। हमें इसको दो तरीके से बनाया है, एक दूध से बनाया है और एक पानी से बनाया है। ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बेल के जूस का सेवन या तो सुबह या दोपहर के समय ही कर सकते हैं, इससे हमें लाभ मिलता है। इसको हमें रात के समय नहीं पीना चाहिए, इससे सेहत को नुकसान हो सकता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खाएं पिएं और एंजॉय करें।